हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है और इसीलिए इस गणेश चतुर्थी हम बना रहे हैं मोदक, और वो भी न सिर्फ हेल्दी बट टेस्टी भी, और साथ ही में शुगर फ्री भी। चलिए अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। अंजीर ड्राई फ्रूट मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी अंजीर, आधा कटोरी सीडलेस डेट्स, आधा कटोरी मोटे कटे हुए काजू, आधा कटोरी मोटे कटे हुए बादाम, 1/4 कटोरी चिरौंजी, 1/4 कटोरी अखरोट, 2 बड़े चम्मच घी। अब सबसे पहले हम अंजीर और डेट्स को मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई गरम करने रख दी थी और अब गैस की फ्लेम धीमी रखकर सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। अब इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डालकर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। तो ये सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें अंजीर और डेट्स का मिश्रण भी डाल देंगे। एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस 2 मिनट और इसे चला लेंगे और अब मिश्रण हम निकाल लेंगे। इस मिश्रण को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इससे मोदक बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रण हमें पूरा ठंडा नहीं होने देना है। ये मिश्रण हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब हम इस तरीके से मोदक के सांचे की मदद से हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। ऐसे कई तरीके के मोदक के सांचे आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हम सांचे में रखेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे इन्हें प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा मोदक एकदम तैयार है। सभी मोदक हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। मोदक हमारे सारे तैयार हैं और अगर आप चाहें तो इस तरीके से चांदी का वर्क लगाकर इसे अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये यम्मी, टेस्टी, हेल्दी और एकदम शुगर फ्री मोदक हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी फटाफट बनाइए और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अपना सपोर्ट मुझे देना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।